हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैं आपके लिए हमेशा बिजनेस आइडिया या कुछ शॉपिंग करती हूँ तो मैं आपका शेयर करती हूँ, तो आज मैं आपके साथ हैंड चॉपर शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने अभी लेकर नहीं आई हूँ, ये मेरा 3 साल पुराना हैंड चॉपर है, पर मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जैसे कि मैं चाइनीज़ की रेसिपी बनाई थी तो मेरा जो टाइम था इसमें बहुत ज़्यादा बचा इस चॉपर की वजह से। तो इसके लिए मैं सोची क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ कि इस चॉपर की वजह से हमारा काफ़ी समय बच जाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन और मिर्ची ले ली हूँ। तो चाइनीज़ जो भी हम डिश बनाते हैं चाइनीज़ की, तो उसमें ये 3 चीज़ होती है और ये चॉप करी हुई हमें चाहिए होता है। चाहे तो हम कूट के भी ले सकते हैं, पर चॉप करी हुई का जो टेस्ट होता है वो अलग ही होता है। और तो ग्राइंड तो हम ज़रा भी कर ही नहीं सकते। चाइनीज़ डिश में क्या होता है कि हमें चॉप करा हुआ चाहिए होता है। तो जैसे कि ये जो हैंड चॉपर है और इसमें और भी टाइप का आता है, तो जैसे कि आपको दूसरे टाइप का देखना होगा उसमें, जैसे कांदा भुर्जी बनाते हो, अंडे की भुर्जी बनाते हो, या जो भी आपको कांदा अच्छे से चॉप करना है तो इसमें भी हो जाएगा, पर इसमें ज़्यादा ही मतलब बारीक हो जाएगा। जैसे आपको थोड़ा मोटा चाहिए तो एक और हैंड चॉपर आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है, उससे भी काफ़ी हमारा समय बचता है। वो मुझे इससे भी अच्छा लगता है, जैसे कि ये सिर्फ अदरक लहसुन मिर्ची के लिए सही है मुझे ऐसा लगता है। और जैसे उसमें टमाटर भी चॉप हो जाता है, कांदा भी चॉप हो जाता है, वो भी अच्छे से हो जाता है। और जैसे कि एकदम जूसी नहीं हो जाता है, जैसे आप कोई चीज़ इसमें जैसे करेंगे टमाटर तो एकदम जूस निकल जाएगा इसका, और उसमें ना क्या होएगा आपका टमाटर भी एग्जैक्ट चॉप होएगा। तो आपको अगर देखना होगा कि किस टाइप का चॉपर है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसकी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो ली थी 100 रुपये का ली थी, मैं आपको बता चुकी 100 रुपीज़ का, और मैंने 3 साल पहले ली थी, ये मेरा 3 साल पुराना है। तो हमें चॉप करना है कैसे, ऐसे तो बहुत से लोगों को पता होगा, और पता है तो अच्छी बात है, और मैं आज आपके साथ जिनको नहीं पता है वो भी देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं ऐसे अदरक डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं मेरे को ऐसे इसको ऐसे करना है, तो ये चॉप होता रहेगा। और जैसे कि आपको जैसे लग रहा है कि टाइट हो गया तो आपको कैसे उल्टा घुमाना है, ऐसे घुमा रहे हैं आप देख सकते हैं, ये हमारा चॉप हो रहा है। फिर आपको जैसे लग रहा है कि अटक गया या इस साइड हो गया है तो आप उल्टा करोगे तो अपने आप वो थोड़ा सा आगे आ जाएगा। और जैसे नहीं उल्टा करके करना है तो आप ऐसे हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं। और एक चीज़ ये कि इसको धोने में ज़्यादा परेशानी होती है ये वाले चॉपर को, बाकी बहुत अच्छा है ये भी, पर इसको धोने में बहुत परेशानी होती है, थोड़ा मतलब अच्छी खासी परेशानी होती है। और जो दूसरा जो चॉपर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, उसमें धोने में भी इसको परेशानी नहीं होती, बहुत अच्छे से आसानी से वो वॉश हो जाते हैं। जैसे इसमें थोड़ा कैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अटका अटका रहेगा तो आपको वॉश करने के टाइम पर थोड़ा सा परेशानी होगी। तो ये आप देख सकते हैं ये ऐसे ओपन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अदरक जो है हमारा काफ़ी अच्छा चॉप हो गया है। और इसी तरह हम लहसुन को भी चॉप कर लेंगे, और साथ में अगर साथ में चॉप करा साथ में भी चॉप कर लें। और जैसे कि आप अलग से भी करना चाहते हैं तो एक एक करके आपको क्या करना है, रखते जाना है, एक एक बाउल में आप रखते जाएं। तो मैं ऐसे ही आपको जब बता रही हूँ तो मैं आपके साथ बता रही हूँ, तो इसको ऐसे ही एक साथ में अभी कर लेती हूँ। नहीं हो रहा है तो आपको ऐसे उल्टा करना है, फिर सीधा, फिर जैसे आपको लग रहा है अटक गया या इस साइड चला गया तो आपको थोड़ा सा उल्टा घुमाना है, फिर सीधा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे लहसुन अदरक मिर्ची जो हमारा अच्छे से चॉप हो रहा है। तो आपको कैसा लगा ये चॉपर, और जो आपको देखना होगा दूसरा चॉपर तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, आप ज़रूर देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।